महाराज में रोके रोके काम में। सबसे पहले मैं मुंबई बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और पूरी बॉडी को का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक नए ट्रेंड को मुतारफ कराया यहाँ पे और वो ट्रेंड बहुत इसलिए जरूरी था ना के बारे में कोई कह नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सकता। किसी का क्लेम अगर है या कोई क्लेम करता है तो वो क्लेम जस्टिफाई ना समझा जाए कि मैं सब हूँ। ला डेली डेवलप होते आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आपके सामने एक बुक है, इस बुक में सब चीजें लिखी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना आप लॉ की डेवलपमेंट के मरहले से गुजर रहे होते हैं थ्रू जजमेंट्स, थ्रू ऑर्डर्स, थ्रू इंटीरियम ऑर्डर, थ्रू फाइनल ऑर्डर, थ्रू डिक्रीज जो भी है। इसलिए कभी भी जो है ये ना समझा जाए कि जो स्टेट्यूट में दर्ज है या जो सब्सटेंटिव लॉ है वहाँ पे आके चीज़ें रुक जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कहीं रुकता नहीं है। ये जो आज का मौजू है वो रैंक लॉ से होता है। आप सारे वकील दोस्त हैं, रोज़ाना सुबह कोर्टों में आप जाते हैं, रोज़ाना इस तरह के कवानीन का सामना आपको करना पड़ता है, रोज़ाना आप रिलीफ लेने या दूस करने के मरहलों से गुजर के घर जाते हैं। एकेडमिकल मैं ये आपको बताना दोस्तों को ज़रूरी समझता हूँ कि ला बुनियादी तौर पे बेसिक जो उनकी डिवीजन है वो दो हिस्सों में है, एक स्पेशल ला और दूसरा जनरल ला। आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतर जानते हैं कि जनरल लॉज कौन से हैं, फिर जनरल लॉज के अंदर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो भी आप जानते हैं, और स्पेशल लॉ जो है वो कौन सा होता है वो भी जानते होंगे और जान रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। और ये रैंक लॉज बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से फैमिली लॉज है, जिस तरह से लेबर लॉज है, जिस तरह से बैंकिंग लॉज है, उसी तरीके से इसकी जो कैटेगरी है वो स्पेशल लॉ है। मुझे स्पेशल और जनरल लॉ के जो फर्क है उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि स्पेशल लॉ की जरूरत तब पड़ती है लेजिस्लेटर्स को, कानून बनाने वालों को, कि वो उस खास पर्टिकुलर टाइम में इस बात का एहसास कर हासिल करते हैं, इस बात को समझते हैं कि जो जनरल लॉज हैं वो सोसाइटी के जो इस पर्टिकुलर इशू पे जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने, उसको सॉल्व करने और उसको समझने में मुश्किल पेश आ रही है तभी स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। अब ये क्रिमिनल साइड पे भी है और सिविल साइड पे भी है, दोनों साइडों पे है और दोनों साइडों में स्पेशल लॉज मौजूद हैं। अगर सिविल कोर्ट्स डिस्पोजल के रेफरेंस से या किसी और रेफरेंस से
मैं सलाहियत और क्वालिफिकेशन के डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूँ। ये सारे जज साहबान स्पेशल कोर्स में यही होते हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि उन जज साहबान को, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक खास किस्म के कोर्ट वो असाइन किया जाता है और एक खास लॉ असाइन किया जाता है ताकि स्पीडली डिस्पोजल ऑफ द केसेस होने चाहिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नतायज जा सके। असल तो स्प्रिट होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नतायज मिलने चाहिए लिटिगेंट्स को, ताकि सोसाइटी के अंदर फिर उसका एक पॉलिटिकल और सोशल स्प्रिट है कि अनरेस्ट पैदा नहीं हो, अदालतों के ऊपर अदम एतमाद ना हो, लोगों में बेचैनी पैदा नहीं हो, या इस तरह का इसका ये सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जिस पर इस वक्त में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बुनियादी जो मकसद है इस तरह के कानून बनाने का, वो मकसद ये है कि जल्द से जल्द मसाइल को हल किया जाए। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ, रेंट लास्ट की तरफ, और उसमें स्पेशली जो यहाँ पाकिस्तान में जो है ये सिंध रेंट 1979 है। इस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक अर्ज करता चाहूँ कि आप पहले जो है वो तीन किस्म के जो है मतलब कैटेगरी होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड थी, वो एक क्या था, एक था वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स, वो मौजूदात, वो चीज़ें जिन पे फेडरल जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती थी, दूसरा जो प्रोविंसेस बना सकती थी, और ये डिवाइडेड था एक शेड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, और तीसरा जो है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब सूबे भी बना सकते थे अपने शौकत के मुताबिक। बात जहाँ से रुकी थी तो आपको ये बड़ी आपको एक हैरानगी भी होती होगी और यकीन होनी भी चाहिए, आप एक जहन में एक बात लेके आए होंगे, यहाँ पे एक दोस्त है, कुलेग हैं मेरे, सीनियर हैं मेरे, हम सफर हैं जो भी हैं, कि हम तो जो ऑपरेशनल पोर्शन ऑफ दिस लास्ट हमारी सुनने आ गई, और रियाज भाई जो है वो पता नहीं चीज़ों को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो एकेडमिकली, हिस्टोरिकली और सोशली जब तक हम किसी खास लेजिस्लेशन को, किसी खास स्टेट्यूट को, किसी खास लॉ को समझने से कासे रहें, तो हम उसके जो ऑपरेशन पोर्शन में सिर्फ स्टीरियोटाइप चीज़ों के हद तक खुद को मौजूद रखेंगे। लिहाजा मैं तमाम वकील दोस्तों से मेरी गुजारिश ये है कि जब भी किसी लॉ को पढ़ें तो उसके जो पूरी जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल और उसकी जो दीगर जो जो ग्राउंड्स हैं उनको ज़रूर जो है उस मद्देनजर रखें। तो मैं बात ये कर रहा था कि एक तीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक फेडरल लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी और प्रोविंशियल लिस्ट थी, तो मुख्तलिफ़ सूबों को आजकल कॉन्करेंट लिस्ट को ख़त्म हो गई है एक गवर्नमेंट के बाद, तो अब फेडरल गवर्नमेंट फेडरल स्टेट वफाक की बुनियाद पर ला बना सकती है और सूबे जो है वो इस पर बना सकते हैं, जो है वो सूबाई जो अपनी टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन के अंदर ला बना सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो सिंध रेंटेड परमिशन ऑर्डिनेंस 1979 है, लेकिन ये एक दिलचस्प बात है कि कोई 7-8 हज़ार जो है ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशंस और आर्डर आमिर ने जो है वो अपने वक्त में, क्योंकि असेंबलियाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से कोई वैक्यूम तो क्रिएट नहीं हो सकता, लिहाजा वो आमिर जो है ना मुख्तलिफ कवानीन जो है वो बनाते और अपने जो हुकूमती जो बिजनेस है उसको चलाते रहे, और अल्टीमेटली जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो उन तमाम को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज मिली है। तो
तो ये चीज जो है ना आपको बताऊं कि अगर आपके जहन में हो कि ये आर्टिकल्स क्यों हैं और आर्टिकल्स तो बहुत चंद मदूद वक्त के लिए होता है, तो ये क्यों इस तरह से है, तो उसकी वजह ये है कि इस तरह के जितनी भी आर्डिनेंसेज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि 1969 का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन आर्डिनेंस था, वो आर्डिनेंस इसलिए था उस वक्त जो है मतलब मार्शल लॉ इम्पोज था, उसके बाद सिविलियन रूल हुआ तो उन सारे जो कवानी हैं उनको जो है इंडिमिटी समझ लें या कवरेज मिले या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कवरेज है उसको मिली है, और दीज आर लॉज आर द पार्ट ऑफ अवर लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये है बुनियादी जो चीज़ है। अब आते हैं इसकी तरफ, ये जो स्पेशल लॉ है इसको बार बार स्पेशल लॉ में कहता हूँ, तो ये बहुत एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है। सबसे पहले तो ये है कि ये कवर ही दो चीजों को करता है, और वो दो चीजें क्या है, रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। अच्छा, फिर इसके अंदर मजीद एक चीज है कि ये कवर करता है इस चीज को, रेंटेड प्रीमिसेस को। अब रेंटेड प्रीमिसेस क्या है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी लैंड है, उसमें बिहारी और जमींदार का ताल्लुक होता है, किसान का और लैंडलॉर्ड का ताल्लुक होता है, लेकिन ये ला वहां पे अप्लाई नहीं होता, ये ओपन स्पेस पे होता है और किसी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में होता है। तो हम अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और ये कहता है कि जनाब गडाब के फलां इलाके में मेरी 10 एकड़ जमीन है और उस पर जो है वो जमींदार जो है मुझे बटाई नहीं देता है, तो आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए एक पूरी पीजन मूवमेंट चली थी। भट्टी साहब जानते हैं, सारे जानते हैं, कामरेड हैदर और जबरी के जमाने में वो अप्लीकेबल नहीं है, इस वक्त ज्यादा फंक्शनल नहीं है, लेकिन वो लॉ मौजूद है, सिंध टेनेंसी एक्ट जिसका नाम है, और उसके लिए सेपरेट जैसे लेबर कोर्स की तश्कील हुई है, उस एक्ट के तहत जो है वो किसान कोर्स तश्कील होने थे जो अभी तक नहीं हुए, आज तक वो फंक्शनल नहीं है। लिहाजा वो रोल एग्रीकल्चर जो से मुतालिक जो इशूज हैं या रेवेन्यू वाले करते हैं या सिविल कोर्स करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट अभी तक नहीं पाए मतलब जो बना है। लिहाजा ये जो ला है वो सिर्फ दो चीज़ों को कवर करता है जो मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ। अब आप सब जानते हैं और इसकी वजाहत की जरूरत भी नहीं, आप जो है वो प्रैक्टिसिंग लायर है, रोजाना इन चीज़ों का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है, या मुतासर होते हैं या मुतासर करते हैं किसी को, तो दोनों में से एक चीज साफ करते हैं, ठीक है। और आपसे बात आप नहीं, आपसे बात आप चलाएंगे, पहले ये समझना चाहिए देखिए कोई खड़ा हो जाए बोले सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आपका क्लाइंट मतलब ये है इसका। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो है ज़्यादातर सेक्शन 14, सेक्शन 15 ए इस पे ज़्यादा जो है मतलब हम जो है ना वो गौर विचार करते रहते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी रोटी रोजी का ज़्यादा दारों बाजार इन तीन सेक्शनों पे है, हम वकीलों की रोटी रोजी का ज़्यादा ताल्लुक इन तीन सेक्शनों पे है। एक सेक्शन जो है उसमें जो है वो टेनेंट के राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज हैं, दूसरे सेक्शन में जो है वो लैंडलॉर्ड के राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज हैं, और जो जो है वो तीसरे में कुछ इसी तरह है, बराबर उसकी डिटेल में जाते हैं। अब अगर मैं चाहूँ जो टर्म्स को हर ला आप CRPC उठाएं, आप CPC उठाएं, आप लेबर ला की कोई बुक उठाएं, आप रेवेन्यू ला उठाएं, इधर हमारे इंतहाई सीनियर मोहतरम दोस्त 25-30 साल से ताल्लुक रहता है भट्टी साहब करें बैठे, हर ला के पहले जो पोर्शन है उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन होती है, और उसकी वजह उसकी बिल्कुल सादा है कि आम हमारी जिंदगी में सोसाइटी के अंदर
हमारे अल्फाज का इस्तेमाल होता है, उसका मैंने कुछ कोई और होता है। लेकिन अगर आप कानून की दुनिया में आए तो जरूरी नहीं कि वो जो आम माहौल और आम हालात और आम जो समाजी जिंदगी में जो गुफ्तगू होती है और जो चीज़ें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसकी एग्जैक्ट मीनिंग वो हो जो ला का मंशा है, ऐसा नहीं है। लिहाजा इस सारी बेचैनी को, सारी इस मुमकिन बदमजबी को, सारी इस जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले ला का मंशा ये होता है कि उन टर्मिनोलॉजीज को जो कि ज़रूरी होती हैं उस ला के अंदर, उन चीज़ों जो मुख्तलिफ फर्कों में डिस्कशन में आती हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, उनको लीगली तय करें कि अगर ये बात बोली जाए तो उसका मतलब ये है। मसलन सिंपल बात, मैं जो है अगर कोई कंट्रोलर रैंक कंट्रोलर या कंट्रोलर कोई बोले तो कंट्रोलर का एग्जामिनेशन तो होता है और पता नहीं कितने कंट्रोलर हैं और कहाँ कहाँ हैं, मतलब मिलिट्री रैंक कंट्रोलर है, तूफान कंट्रोलर है, पता नहीं कितने कंट्रोलर हैं, लेकिन क्या वो कंट्रोलर यहाँ पे हो सकते? नहीं हो सकते। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक जज है जो सीनियर सिविल जज है वो क्यों नहीं था, कंट्रोलर क्यों नहीं था, इसकी वजह है। वजह ये है कि आप जब जज लिखेंगे, लिखते या लिखेंगे तो वो स्पेशल लॉ का पर्पस खत्म हो जाएगा, उसका मकसद खत्म हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो सीनियर सिविल जज या जो भी जज है वो परफॉर्म कर रहा है अपनी ड्यूटीज किसी और लॉ के तहत, किसी और असाइनमेंट के तहत। लेकिन दिस इज एन स्पेशल असाइनमेंट, इफ इट इज स्पेशल असाइनमेंट गिवन बाय द कोर्ट लॉ और लेजिस्लेशन लेटर्स व्हाटसोएवर, देन द पावर्स शुड बी वेरी मच क्लियर एंड स्पेसिफिक। यह है बुनियादी बात। इसलिए कंट्रोलर को डिफाइन किया गया, कंट्रोलर क्या है, लैंड लॉर्ड को डिफाइन किया, मैं उसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाता हूँ, सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ ताकि टाइम से हो, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके कर लेंगे। लैंड लॉर्ड है, अब अगर इसमें लैंड लॉर्ड को डिफाइन नहीं किया जाता तो हमें हर किस्म का हक था बतौर लिटिगेंट कि हम इसको जरूरी लैंड समझना चाहते, हम इसको दरियाई लैंड समझना चाहते, हम इसको कच्चा समझना चाहते, हम इसको पक्का समझना चाहते, कुछ भी समझना चाहते। क्यों? इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द लॉ। तो आप अगर ये सिचुएशन पैदा हो तो आप क्या समझते हैं कि कहीं डिस्पोजल हो सकता है, नहीं हो सकता? अल्टीमेटली ये चीज़ें जाके कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में चली जाएंगी और वहाँ से डिफाइंड हो जाएंगी कि भाई इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? ये एग्जिट विंडो हमारे पास सिर्फ एक है, जहाँ लॉ खत्म होता है वहाँ पर सी पी और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन शुरू होते हैं। एक दो बुनियादों पर, एक फंडामेंटल राइट्स, दूसरा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर और भी होती हैं लेकिन बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी तो किसी न किसी जगह पे पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन का, फंडामेंटल राइट्स का जो है जो गारंटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ें आएंगी और हाई कोर्ट्स को इन चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा। लिहाजा हाई कोर्ट्स को ओवर बर्डन करने के रूप से रोकने के लिए इस तरह के लॉज को फार्मूलेट करके, स्पेसिफाई करके, हर चीज़ को वजाहत के साथ की जाती है ताकि नीचे ट्रायल कोर्स के अंदर ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो। तो अब तो मुझे भला बताएं कि गवर्नमेंट को क्यों डिफाइन किया गया? देखिए ना, गवर्नमेंट क्यों डिफाइन किया गया? गवर्नमेंट तो सबको पता है क्या है, लेकिन यहाँ डिफाइन किया गया है इसको गवर्नमेंट क्या है, मतलब इधर कई गवर्नमेंट्स होती है ना, लेकिन कानून आइन के अंदर वो गवर्नमेंट्स इधर जो है वो अपना म्यूनसिपल जो है वो गवर्नमेंट है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट गवर्नमेंट इन
in the sense of the constitutional provisions. दो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट्स हैं, तीसरी कोई गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, दो गवर्नमेंट्स हैं। तो इन चीज़ों को मतलब मैं अगेन मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है मतलब आपके सामने कंसेप्चुअली और एकेडमिकली, प्रैक्टिकली तो जब आप जाएंगे तो आपको पता ही है, आप सब सीनियर दोस्त बैठे हुए हो, लेकिन एकेडमिकली और इंटेलेक्चुअली आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि आखिर ये जो टर्मिनोलॉजी है उसको क्यों डिफाइन करने की ज़रूरत महसूस होती है लेजिस्लेटर्स को या लेजिस्लेटिंग बॉडीज को, और उससे क्या क्या अवॉइड करना और क्या क्या हासिल करना मकसद होता है, ये एक चीज़ है। अभी ये जैसे रेंट है, टेनेंट है या बिल्डिंग है, इनके में पहले से पर्सनल यूज है। अब ये पर्सनल यूज, अब ये पर्सनल यूज क्यों लिखा गया, इसीलिए कि बहुत सारी केसेस, सर जो हमें कंट्रोलर भी कही रही हूँ, बहुत सारे केसेस पर्सनल यूज एंड नॉट यूज के डिसाइड होती है और जिसको राम हो जाती है, किसी के हक में फैसला होता है, किसी के हक में किसी के खिलाफ फैसला होता है इन चीजों पर, वो क्या चीज है। इसलिए पर्सनल यूज को भी डिफाइन किया गया, फेयर रेंट को डिफाइन किया गया कि फेयर रेंट क्या होता है, रेंट क्या होता है और फेयर रेंट क्या होता है। देखिए रेंट और फेयर रेंट में फर्क, रेंट आप डिसाइड कर सकते हैं यानी कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, लेकिन फेयर रेंट आप डिसाइड नहीं कर सकते, फेयर रेंट पर डिसाइड करता कोर्ट ऑफ लॉ, कंट्रोलर, तो ये फर्क है। इसीलिए इसको रेंट एंड फेयर रेंट में डिवाइड किया गया है कि रेंट एक अलग चीज होती है और फेयर रेंट एक अलग चीज होती है। तो ये सारे मामलात हैं और इन मामलात को जो है वो भट्टी साहब ने पंखा भी बड़ा हल्का लगाया हुआ है, क्या करें, हमारे भाई बड़े हैं, छोटे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत हम करते हैं इनसे, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। गुफ्तगू से पहले हमने उनके बड़े भाई से बात की कि आप हैं क्या चीज़, असल में वो बात ना करते हैं। अब अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा जाएं कि देखिए एग्रीमेंट क्या है, जो भी सिविल प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट साहबान यहाँ मौजूद हैं, एग्रीमेंट एक दो तीन चार पांच अफराद के दरमियान एक जो इत्तेफाक है किसी भी चीज को करने या ना करने, उसका उसकी एक शक्ल है। लेकिन अब एग्रीमेंट्स भी वाइड एग्रीमेंट्स भी होते हैं, मसलन सब ओपन लोग हैं यहाँ पे, सब वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिहाजा हमें हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। शराब खाना खोलने का भी एक एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि शराब खाना खोलना विदाउट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इलीगल है, लिहाजा आपकी जो भी एग्रीमेंट होगा वो वाइड एग्रीमेंट कराएगा, वो वाला एग्रीमेंट नहीं कराएगा जो वैलिड होगा लीगली, तो नहीं वो एग्रीमेंट की कहते। इसी तरीके से जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी स्पेसिफिक है, उसका हम दूसरे एग्रीमेंट से ताल्लुक नहीं है। दूसरा एग्रीमेंट अगर वॉइड एग्रीमेंट नहीं है और दुरुस्त एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ एग्रीमेंट है, तो आपको उसको परफॉर्म करवाने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो परफॉर्म करने के लिए जो रेंट एग्रीमेंट है वो रेंट कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें एग्रीमेंट में और इस एग्रीमेंट के कैरेक्टर में फर्क है, खसूसियात में फर्क है, तरीक़ेकार में फर्क है। तो ये एक चीज जो है हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अच्छा, अब देखिए ओरल जो एग्रीमेंट है उसका इसमें तो कोई भी जिक्र नहीं, इस बुक में कोई जिक्र नहीं, लेकिन आपको पता है ला दो किस्म के होते हैं, एक ला विच इज मेड बाय द लेजिस्लेटर्स थ्रू ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और दूसरा होता है डिफाइन करना वो कोर्ट का काम, जो कि जजमेंट्स ऑर्डर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। आजकल जो है मतलब ओरल जो एग्रीमेंट है उसकी वैलिडिटी और
जो वैलिडिटी ना होना वो सर्कमस्टेंसेस ऑफ दी पर्टिकुलर केस है, जरूरी नहीं कि सारे ओरल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लिए वैलिड हो, और जरूरी नहीं कि सारे जो है जो वो अनवैलिड हो, ऐसा नहीं। लेकिन इस किताब के अंदर जो है रिटन एग्रीमेंट इज बाइंडिंग, इस किताब के अंदर इस जो रेंट एक्ट बिजनेस एक्ट है, ऑर्डिनेंस है सॉरी, उसका जो है वो जरूरी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सर्कमस्टेंसेस, लेकिन लॉ में सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द सर्कमस्टेंसेस ये बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है, और पूरे वो केसेस की जो जो उसको टर्न कर देती हैं ये सारी चीज़ें। अगर कोई प्लीडर जो है ना आपका बहुत अच्छा हो और सर्कमस्टेंसेस को अपने फेवर में एक्सप्लेन करना और ब्रीफ करना, और जज साहब में किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जज साहब जो आपका भाई हो आपका दुश्मन हो, लेकिन जो वहाँ बैठा हुआ होता है उस वक्त वो ना किसी का दोस्त होता है ना वो किसी का दुश्मन होता है। उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ ये होती है कि वो कन्विंस हो गया जो आपने बात की, और दूसरी बात क्या होती है कि ला जो है आपके कन्वेंशन को सपोर्ट कर, अगर वो अगर कन्विंस भी हो जाए लेकिन ला आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो उसकी सारी हद नहीं आपके साथ, लेकिन फैसला आपके खिलाफ ही करेगा। और अगर जो है अच्छा ये लॉरी ने फिर दूसरी तरफ मुझे भेज दिया और खुद बातों में लग गए, ठीक किया, शुक्र अच्छा आगे जो है मतलब तो बात आ गई सारी चीज। वैसे मैं कोई ज़्यादा प्रैक्टिसिंग लाया नहीं हूँ आजकल, लेकिन थोड़ा सा बटी ज़्यादा सीखता रहता हूँ। अच्छा अब इसके एक एक अगर सेक्शन को पढ़ेंगे तो बहुत बनते हैं, लिहाजा मैं ये चाह रहा हूँ कि जनरल डिस्कशन हो और उसकी बुनियाद पर फर्ज करें कि मतलब क्या ग्राउंड हो सकती है किसी की निकालने के लिए, किसी को निकालने के लिए आप किसी को अगर आप रेंट आउट करते हैं प्रीमिस, तो अगर आप चाहते हैं उसको निकालना है तो उसके लिए ग्राउंड्स क्या होने चाहिए, किसी को चाहे वो रेंट पे ही है निकालना विदाउट एनी रीजन सोशली अनह्यूमन बात है, सोशली अनह्यूमन बात है। उसकी वजह यह कि वो आता है अपने कपड़े लाता है, अपने बर्तन लाता है, अपने फर्नीचर लाता है, अपना पूरा एक निज़ाम बनाता है, और दो महीने के बाद आपके पास कोई रीज़न नहीं है, दिल में एक बदनीति पैदा हुई कि भाई इसको निकालना है, किराया बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये अनह्यूमन है। लेकिन लॉ ने भी इसको कवर किया है कि भाई नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते कि अगर कुछ ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड पे हैं तो टेनेंट पे हैं तो कुछ लैंडलॉर्ड पे हैं। मसलन यह है कि आप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मसलन टाइम पे आप किराया नहीं दे रहे हैं, मसलन घर को डैमेज कर रहे हैं, मसलन जो एग्रीमेंट किया कि आप इसको यूज़ करेंगे लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, आपने आगे सब रेट कर दिया, तो ये तीन चार मेजर ग्राउंड्स हैं जो कि आप खाली करा सकते हैं। और उससे एक बहुत बड़ा ग्राउंड एक और भी है कि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, अगले दो चार छः महीने का है हो जाए, और आप उस घर को रहना चाहते हैं, आपकी बीवी उस घर में रहना चाहती है, आप बच्चे उस घर में रहना चाहते हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं उसको कि ये मसला है, इसको जो है ना आप मतलब खाली करें, हम रहना चाहते हैं, ये ग्राउंड है। लेकिन इस ग्राउंड की जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पर नहीं है, आप पे है। देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आप कह दें फर्ज कर बदली अदी में कह दें तो वो तो खाली वो कर देगा, लेकिन उसकी रेमेडी मौजूद है कि अगर आपने झूठ बोला, आपके पास कोई मुतबादल घर नहीं है रिटायरमेंट के बाद किसी और जगह पर रहने का, या कहीं और रह रहे हैं और आपने झूठ बोला, तो ये सारी की सारी उसकी रेमेडी मौजूद है। आप घर खाली करने के बावजूद उसको थ्रू कोर्ट भी एक्सपाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है आप के नियत में खोट है,
आपसे मुराद हैं आप और हमारे क्लाइंट, मतलब हम और आप, हम तो मशवरे देने वाले होते हैं, यूँ कर लो यार, यूँ कर लेते हैं, यूँ कर लेते, बड़े मशवरे देते हैं, ये बड़ा इमॉरल है, लेकिन हम ये काम करते हैं, सारा ही करते हैं, बहुत ही इमॉरल है ये, एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन हम सब करते हैं, ये गलत बात है लेकिन करते हैं। तो ये है कि मिसाल मिसाल की बात है कि आपने एक घर जो है रीकंस्ट्रक्ट करना है, उसमें बेहतरी लानी है, उसको एबोलिश करना है, उसको रीकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा करना है, उसके लिए आप घर खाली करवा सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम फ्रेम है 2 साल के अंदर अंदर आपको करना है, अदरवाइज नलाफाई दी जाती है और दोबारा जो है रीऑक्यूपाई कर सकता है अंदर कोर्ट ऑर्डर्स या कंट्रोलर के जो ऑर्डर्स हैं वो। अब ये एक सारा सिनेरियो जो है मैंने बयान किया है, उसके बाद अपील का एक है सिलसिला, अपील का। अब वो अपील किसके पास है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं जिसमें 2-3-1 जो यानी दरमियाने वाला कोर्ट चैनल है उसको कट ऑफ कर दिया। मसलन सिंस अपना सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है उसके तहत अगर कोई पनिशमेंट मिलता है तो उसकी जो अपील है वो ट्रिब्यूनल के वो बात हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में। और आपको एक बात तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में एरर ही दाखिल हो जाता है, अपील ही ऐसा दाखिल नहीं होता। सबसे पहले तो बेहतर आप 10-20 या 21 ग्रेड का आदमी भी अगर रिश्ता कुछ नहीं